Babri, you've had a lot of criticism in the past about not taking the team home, about not scoring centuries uh, when Pakistan needed them most. Do you feel that that has now been changed and the fact that you've you've achieved uh, a century there in a uh, winning cause? Uh, uh, my mind, I finish तो मेरे माइंड में था ये लेकिन जो मेरा गेम प्लान था वो जो हर मैच में होता है वही था इस मैच में भी और मेरा यही था कि जितनी पार्टनरशिप हफीज भाई के साथ थी और उसके बाद जब हैरी भाई के साथ हैरी भाई के साथ थी तो हमारा ये प्लान था कितना जितनी हम इससे पार्टनरशिप को लम्बा ले जाएँ उतना ही अच्छा हैम नॉट फिनिशिंग द मैच एंड ऑनिंग जी बिल्कुल पिच स्लो था आ, जब स्टार्ट हमारी बॉलिंग में में भी स्लो था आ, लेकिन जो सेकंड टाइम टर्न शुरू हो गया था आ, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आ, था हमारे लिए लेकिन हमने जो आ, अंदर प्लान किया था मैंने और फीज भाई ने कि इसको आ, जितने हम आ, इस पर कम आ, चांस लें उतना हमारे लिए अच्छा टीम के लिए अच्छा है और वो सक्सेस हुआ और हमने जो दूसरा प्लान ये था कि हम फास्ट बॉलर पर अटैक करेंगे और उस पर हम No yeah, it's difficult to bet on this, is spinning a lot. And uh, Afiz and I have planned that we have to play off the spinners over and we will attack the fast bowlers. Uh, now that uh, the, the tournament is wide open for you guys, like, you know, the next two matches are very uh, crucial. How confident are you beating uh, Bangladesh and uh, Afghanistan, who are comparatively lower ranked than you? आ जी बिल्कुल आ इस विन के बाद काफ़ी पॉजिटिव है सारे और क्योंकि पिछले मैच में भी सब ने अच्छा परफॉर्म किया और उसी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू किया और जैसे आपने देखा कि बॉलिंग हमारी काफ़ी अच्छी उन्होंने स्टार्ट किया था मैं शहीन शाह ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की और उसके बाद वहाब भाई ने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की तो ऐसे ही सबका कंट्रीब्यूशन था हर एक बॉलिंग का भी बैट, बैट्समैन का भी कि जिस तरह ओपनर इमाम ने अच्छा खेला उसके बाद फिर मैं और हफीज़ भाई और हाँ हारस बहन ने सब कं, कंपटीशन है उन्होंने सब ने अच्छा किया और बिलीव है और हम मैच टू तो मैच सोच रहे हैं हम अभी एंड एंड एं का नहीं सोच रहे हैं हम यही है कि अगले मैच के फोकस हैं उस पर जीत के फिर हम बांग्लादेश के सोचेंगे या वी आर वेरी फोकसड ऑन दिस थिंग एंड हफीज बाबर शाहीन एवरीबडी कंट्रीब्यूटेड अलॉट एंड वी आर कॉन्फिडेंट वी आर टेकिंग मैच फाय मैच एंडलीफाई कि 92 की जो विन थी उससे बड़ी कंपैरिजन है तो ड्रेसिंग रूम में या होटल में ऐसी बातें हो रही हैं कि वैसा ही चल रहा है जैसे 92 में था नहीं जी ऐसा कुछ कोई बात नहीं हो रही आ, बस यही है कि हम आ, मैच टू तो मैच जैसे मैंने बोला है कि मैच टू तो मैच हम प्लान कर रहे हैं और फोकस कर रहे हैं कि हम 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 डू एंड डाई मैच हैं और हमने यही प्लान किया कि हमने हर मैच जीतना है और सब ने अपना हंड्रेड देना बाबर आपकी जो दस सेंचुरियाँ हैं उसमें से आठ जो है वो विनिंग कॉज में है मतलब पाकिस्तान वो जीता है तो कितनी यानी आप समझ हैं कि जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो आपको कितना और आगे मोटिवेट कर रहा है जी बिल्कुल काफ़ी मोटिवेशन मिलती है इस चीज़ से अगर आप मैच फिनिश करके आओ और जिससे आपकी आप इनिंग से टीम जीते तो उस चीज़ का कॉन्फिडेंस काफ़ी आता है और Uh, जी बिल्कुल uh, uh, मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट इनिंग है uh, जो मैंने इस आज खेली है तो इससे मैं काफ़ी हैप्पी बाबर uh, कुछ uh, हौसला तो हुआ होगा आज के मैच के बाद uh, जब uh, आप प्लान कर रहे थे बैटिंग पहले करने का तो अगर आपको बैटिंग मिल गई तो आप कैप्टन कह रहे थे कि अगर हमें टॉस जीते तो हम शायद बैटिंग पहले करते इसको किस तरह देखा जा रहा है हमारा प्लान था, था आ, हम पहले बैटिंग करें लेकिन आ, ये नहीं था कि हम भी टॉस जीते तो बैटिंग करते उन्होंने वो टॉस जीते उन्होंने बैटिंग की वो हमारे लिए अच्छा हुआ ये कहते हैं कि जो अच्छा होता है अच्छे के लिए होता है तो वो हमारे लिए अच्छा हुआ और जैसे हमने स्टार्ट किया बॉलिंग और जैसे शहीन शाह ने अच्छी बॉलिंग की और भाई ने आमिर भाई ने, ने और सब ने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया बाबर दसवीं सेंचुरी आज आपने बनाई तो जो पिछली नौ सेंचुरियाँ थीं ये टेस्ट में, क्रिकेट में भी आपकी सेंचुरी है क्या ये आपकी बेस्ट इनिंग्स है और वनडे क्रिकेट में कोई ऐसा टारगेट है जो कोई ऐसा रिकॉर्ड जहन में जो करना चाहते हैं जी बिल्कुल आ, मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट इनिंग है मेरे आ, क्योंकि आ, हमारे लिए अब टीम के लिए बहुत ज़रूरी था कि जीतना मैच और आ, मुश्किल विकेट था और उस मुश्किल विकेट पे मैं अल्लाह ने रनस करवाए और आ, जी बिल्कुल आ, आ, क्या था? टारगेट मेरा टारगेट यही है कि जो टॉप के प्लेयर हैं उनमें मैं भी हूँ और उस, मैं वैसा ही प्लान करता हूँ हर मैच में कि मैंने अपना हंड्रेड परसेंट देना और हर आ, मैच में परफॉर्म करना है और परफॉर्म ये नहीं कि अपने लिए करना है और टीम के लिए करना है सबसे मेन जो आ, मैं सोचता हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस से टीम जीते ये नहीं कि इंडिविजुअल मैं अपनी परफॉर्मेंस करूँ और मैं हैप्पी हो जाऊँ मैं इस पर नहीं हैप्पी होता मैं तब हैप्पी होता हूँ जब मेरी टीम जीतती है बाबा इस टीम को देखते हो जो अब तक वर्ल्ड कप में खेल रही है क्या एक ऐसी चीज़ तुम समझते हो कि अगर वो और इसी टू, टूर्नामेंट के दौरान बेहतर हो जाए तो हम मजीद बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं चाहे वो बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग किसी भी एरिया में आ, जी बेहतर आ... बेहतर तो सो देखें आपके सामने बेहतर चीज़ें होती जा रही हैं क्योंकि हम बिलीव करते हैं एक दूसरे पे यकीन करते हैं कि यार अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई दूसरा करेगा अगर दूसरा नहीं करेगा तो तीसरा करेगा ये नहीं कि छोड़ के आ जाते हैं कि वो करेगा तो मैं करे... वो उससे नहीं होगा तो भाई हम नहीं करेंगे हम एक दूसरे पे बिलीव करते हैं और इस बिलीव को हम कंटिन्यू करते हैं और छोटी मोटी चीज़ें फील्डिंग पे कह सकते हैं कि थोड़ा सा हम काम करें और इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं बाबर यू ए में नॉट टू लॉन्ग गो आप लोग न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले लेकिन इस मैच से पहले ऑफकोर्स देटन इन दिस टूर्नामेंट तो uh, आज के इनिंग से पहले आप कितने कॉन्फिडेंट थे कि आप उनके खिलाफ सेंचुरी uh, स्कोर कर सकते हैं हाँ जी बिल्कुल uh, काफ़ी कॉन्फिडेंस था uh, क्योंकि पिछले मैच मैच में जो uh, इनिंग खेली थी उससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया था क्योंकि आ, लास्ट दो तीन मैचों में मैं वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था 48 46 40 में मैं आउट हो रहा था लेकिन मैंने वहाँ पे आके अपना कॉन्फिडेंस माइंडसेट थोड़ा और स्ट्रॉन्ग किया कि मुझे एंड तक जाने और यह है कि हंड्रेड करना है लेकिन वो पिछले मैच में नहीं हुआ तो इस मैच में यही था कि यार आ, मुझे जो प्लान दिया गया था आपने एंड तक खेलना है और अपना हंड्रेड परसेंट देना और मैंने भी अपना प्लान ये किया था कि मेरे इर्द गिर्द जैसे हफीज भाई खेले हैं हरी भाई ने हरी भाई खेलें तो हमारा ये प्लान था कि उन्होंने मुझे ये कहा था कि आपने चांस नहीं लेना और अगर हम अगर चांस लेना होगा तो हम लेंगे तो ये थी अच्छा बाबर ये ऑन द फील्ड तो चीज़ें होती हैं ऑफ द फील्ड जो आपने देखा ये क्राउड था हरी झंडियाँ थी लोगों की वर्दियाँ थी उसका प्लेयर पे कितना इम्पेक्ट आता है उसको कितना मोटिवेट करता है जो सपोर्ट मिलती है जो जोश और खरोश पैदा करते हैं लोग ज़ाहिर सी बात है अगर आपको इतना सपोर्ट मिलता है तो आप प्लेयर आप काफ़ी इस चीज़ को इन्जॉय करते हैं और कॉन्फिडेंस आता है इस चीज़ से कि आपको इतने अपने लोग इतने सपोर्ट करते हैं तो मज़ा आता है कि इतना लोग आप बाउंड फील्डिंग में भी इतने लोग पीछे चेयर अप करते हैं बैटिंग में तो करते हैं आउट हो तो सब चेयर अप करते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है इस चीज़ बाबर ये बताइएगा आज की बेहतरीन कारकरी के बाद वज़र अजम पाकिस्तान ने ट्वीट किया है आपको और शाहन को हारिस को मुबारकबाद दी है क्या कहेंगे इस पर जी बिल्कुल थैंक यू कहेंगे उनका कि उन्होंने हमें इतनी ट्वीट की हमारे लिए और खुशकस्मत है कि इतने बड़े प्लेयर ने हमारे लिए वजीर आजम ने हमारे लिए ट्वीट की है बाबर uh, 2017 में भी आप जो चैम्पियंस ट्रॉफी जीते थे तो सेकेंड हाफ में एक एकदम से मोमेंटम बनना शुरू हो गया था जो ऐसा एकदम अनस्टॉपेबल सा हो गया था वैसी सी फीलिंग आ रही है अभी जी बिल्कुल फीलिंग फीलिंग यही है कि पॉजिटिव फीलिंग है ऐसी कुछ नहीं है कि हमने जो इसके बाद जो हमारा न्यूज़ीलैंड साउथ अफ्रीका के मैच से पहले जो हमारा जो प्लान था हमने यही था कि यार डू एंड आई है अपना हंड्रेड परसेंट देना है और अभी हम आ, इस मैच चार मैचेस के बारे में सोच रहे थे और जो दो हो गए और आगे जो दो आ रहे हैं उसका हम सोच रहे हैं तो यही है कि हम जैसे आ, इस दो मैचों में हमने हंड्रेड परसेंट दिया और अगले मैच में हंड्रेड परसेंट देंगे तो रिजल्ट जब आएंगे तो कुछ ऐसे दो, दो मैच में एक्स्ट्रा खास कुछ करने लग जाते थी आपकी टीम नहीं सर जो नॉर्मल जो चल रहा है चीज़ें वही कंटिन्यू कर रहे हैं हम बाबर यकीनन ये आज ये बड़ी यादगार सेंचुरी आपने की सजदा भी किया सेंचुरी के बाद किसको डेडिकेट करेंगे किसके नाम करेंगे सेंचुरी सर डेडिकेट तो ये कि पाकिस्तान जो टीम जीती है उस वो 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 मेरे लिए आ, सबसे अजीज है कि हमारी टीम जीती है और डेडिकेट ये कि फैमिली को डेडिकेट करूँगा फैंस को करूँगा कि इतना हमें उन्होंने सपोर्ट किया मुझे सपोर्ट किया तो मैं फैमिली और फैंस को डेडिकेट करूँगा